हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल 007 डिकोर चैनल पर एक बार फिर से आपको वेलकम एंड खुश आमदीद। तो आज हम आपके लिए बहुत ही प्यारे से अलमारियों के डिज़ाइन आइडियाज लेके आए हैं। स्लाइडिंग वार्डरोब, डबल डोर वार्डरोब और थ्री डोर वार्डरोब के डिज़ाइन आइडियाज लेके आए हैं, जो आप लोग अपने बेडरूम्स में और अपने अदर रूम्स में बनवा सकते हैं। तो जो लोग अपने वार्डरूम की सेटिंग कर रहे हैं डिज़ाइन की वजह से कंफ्यूज हैं, तो वो लोग आज की ये वीडियो देख लें तो मैं दावे से कह सकती हूँ कि वो अपने लिए बहुत ही अच्छा सा डिज़ाइन पसंद करके ज़रूर ले जाएंगे और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, क्योंकि हम रखते हैं आपका भरपूर ख्याल ताकि आपको कभी भी कहीं और दूसरे चैनल पर जाने की ज़रूरत ना रहे। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बहुत ही प्यारे से वार्डरोब के डिज़ाइन आइडियाज़ लेके आई हूँ, जिसमें आपको कुछ वार्डरोब मिरर के साथ नज़र आएंगे, कुछ आपको स्लाइडिंग डोर के साथ नज़र आएंगे और कुछ वार्डरोब आपको दूसरे डोर के साथ नज़र आएंगे। तो जो लोग वार्डरोब का डिज़ाइन अपने लिए पसंद कर रहे हैं वो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने अपने लिए कौन सा डिज़ाइन पसंद किया है। दूसरी वार्डरोब की निस्बत, दूसरी अलमारियों की निस्बत, ये जो हम अपने घरों में अपने रूम्स में वार्डरोब बनाते हैं तो ये रूम को चार चांद लगा देते हैं, लेकिन इसके लिए शर्त ये है कि आपका डिज़ाइन भी उसी हिसाब से बहुत लेटेस्ट और प्यारा हो। तो आप लोग इस वीडियो को एंजॉय कीजिएगा, कहीं में मत जाइएगा, डू नॉट स्किप द वीडियो और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। हमें आपकी आरा का इंतज़ार रहेगा, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम होती है। इसमें आपको अलमारियों के कलर कॉम्बिनेशन भी देखने को मिल रहे हैं। ये वुड का देखें कितनी प्यारी अलमारी बनाई हुई, डिज़ाइन बिल्कुल सिंपल सा लेकिन बहुत ही प्यारा सा। ये दो शेड्स में आ गया, ये भी डबल शेड में है, ये भी बहुत प्यारा लग रहा है। तो आप लोग अपने स्पेस के अकॉर्डिंग अपने लिए डिज़ाइन पसंद करेंगे। स्लाइडिंग वार्डरोब का एक फ़ायदा ये होता है कि जगह बच जाती है, जब हम लोग अपनी अलमारी खोलते हैं तो उसके लिए हम जो जगह छोड़ते हैं उसकी जगह अगर हमारी स्लाइडिंग वाली हो तो वो बहुत ही आसानी के साथ आगे पीछे होके दूसरी स्पेस को सेव कर देती है। तो आप अपने लिए बेडरूम में पसंद कर रहे हैं बनवाना या फिर किसी और रूम में, और इसके साथ अगर आप मिरर लगा लेंगे तो ये आपको ड्रेसिंग टेबल का काम भी देगी। ये देखें ये मिरर के साथ कितनी प्यारी सी सेटिंग है, और आजकल इनका बहुत ज़्यादा ट्रेंड भी चल रहा है। तो मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो ग्लास वार्डरोब की ज़रूर लेके आऊँगी। तो ये देखें वाइट के साथ वुड कलर का कॉम्बिनेशन नहायत ही प्यारा लग रहा है, और कुछ वुड के ऊपर प्यारे से पेंट कलर किए गए हैं। तो आप लोगों के जिस हिसाब से रूम के पेंट कलर है तो आप लोग उस हिसाब से अपने वार्डरोब के कलर का इंतखाब करेंगे।
जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें आपको प्रॉपर ग्लास डोर के डिज़ाइन देखने को मिलेंगे। इस वीडियो में भी आपको कुछ कुछ ग्लास डोर है तो, लेकिन जो नेक्स्ट होगी उसमें आपको कम्प्लीटली हम दिखाएंगे। तो फिर आप लोग जिस तरह का वुड का या फिर ग्लास डोर का डिज़ाइन बनवाना चाहेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। बेडरूम के साथ अगर कपबोर्ड भी अलमारी का डिज़ाइन भी प्यारा हो तो हमारा बेडरूम को चार चांद लग जाते हैं। ये देखिए, ये सिंपल सी वार्डरोब है, इसके साथ उन्होंने मिरर का डिज़ाइन बनाया हुआ है। ये बिल्कुल ही सिंपल सी है, ये भी बहुत सुंदर लग रही है और ये कंट्रास्ट में किया गया है और इसके अंदर के खाने भी आपको दिखाए गए हैं ताकि आपको अंदर की डेकोरेशन और आपको साइज़ का भी कुछ पता चल सके। वार्डरोब को आप चाहें तो पूरी दीवार में बनवा सकते हैं, या चाहें तो आप आधे हिस्से में बनवा सकते हैं, जैसे आपके पास गुंजाइश हो स्पेस की और मनी की, वो आपकी अपनी पॉकेट के हिसाब से होगी। ये उन्होंने थोड़ी सी साइड पे हमें डेकोरेट करने के लिए कुछ डेकोरेशन पीसेस रखने के लिए स्पेस दी है। कुछ अलमारियों के साथ ही ड्रेसिंग टेबल भी बना के दिया गया है, कुछ के सेंटर में और कुछ के साइड में। आप लोग जैसा अपने लिए पसंद करेंगे वैसा ही अगर वार्डरोब के साथ ड्रेसिंग टेबल का भी थोड़ा सा अरेंज हो जाए मिरर के साथ तो क्या ही बात है। थोड़ी सी स्पेस में, एक ही स्पेस में आपको दो चीज़ों को डबल डबल फायदे मिल जाते हैं। ये देखिए वाइट के साथ कितना प्यारा सा, और साथ में उन्होंने ड्रेसिंग टेबल के साथ स्टूल का भी अरेंज किया गया। ये भी ड्रेसिंग टेबल वाला ही डिज़ाइन है। ये भी उन्होंने साइड में मिरर लगा दिया, चाहे तो आप ऐसे मिरर और ड्रेसिंग टेबल का बहुत ही प्यारा सा कॉम्बिनेशन है। सच पूछें तो मुझे तो वार्डरोब के साथ ही ड्रेसिंग टेबल बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये देखें उन्होंने आपको स्टडी टेबल या फिर आप अपने टीवी को और या फिर कुछ और जो आप लोग अपने बेडरूम में या किसी अदर रूम में सेट करना चाहते हैं तो उस हिसाब से आपके लिए स्पेस उन्होंने दी है। अब आप लोगों की ये अपनी चॉइस है कि आप अपने लिए कौन सा डिज़ाइन सेलेक्ट करते हैं। ये देखें, ये भी उन्होंने दोनों साइड पे वार्डरोब हैं और सेंटर में ड्रेसिंग टेबल है और कुछ सेटिंग ऐसी फ्लावर के साथ की है, क्या ही बात है। और ये उन्होंने साथ में टीवी का बना दिया था, ये भी बहुत बेस्ट है कि सेंटर में आपका टीवी स्टैंड हो जाए और दोनों साइड पे आपकी वार्डरोब हो जाए तो क्या ही बात है। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल के साथ रहिएगा। लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे एक और नई बहुत ही प्यारी वीडियो में। See you soon and take care and love peace.